साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो मानव की अभिवृद्धि और विकास होता है, जो सी टेट में देखिए आपके जो नंबर पूछे जाते हैं मानव अभिवृद्धि और विकास से, उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को एक साथ खत्म करेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मानव अभिवृद्धि और विकास दिख रहा होगा और 20 से एक लाइन हम दोनों की सिमिलरिटी करते चलेंगे, और अभिवृद्धि के भी और विकास का भी, दोनों को सिमिलरिटी एक साथ रख के, जिससे आपको एक ही क्लास में संपूर्ण मानव अभिवृद्धि और विकास के बारे में आपको जानकारी हो जाए। मैं सिर्फ मानव अभिवृद्धि और विकास का जो अंतर होता है, ध्यान से सुनिए, मानव अभिवृद्धि और विकास का जो अंतर होता है वो मैं बताऊंगा कि क्या अंतर होता है जो एग्जाम में पूछता है, और आप कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं और एक नंबर से गड़बड़ हो जाता है, दो नंबर से गड़बड़ होता है। तो ये चीज़ें आज ही क्लास के साथ समाप्त होती हैं, और उसके लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि सी टेट की जो परीक्षाएं की डेट है वो घोषित हो गई हैं कि नहीं हुई हैं, इस चीज़ों पे आप एक तरह से आप पर्दा डाल दीजिए। आप बस ये फोकस करिए कि मैं किस तरह से वीडियो में ला के, किस तरह से पढ़ के अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा लूँ। यानी मैं सी टेट इस बार मेरा आखिरी सी टेट होगा, यानी मैं इस बार ही क्लियर कर लूँगा, बार बार एग्जाम में मुझे बैठने की टेंशन नहीं। उसके लिए मैं सिर्फ मैं अगली कक्षा की तैयारी करूंगी, यानी जो भी वैकेंसी आएगी मैं सिर्फ उसकी तैयारी करूंगी, पात्रता परीक्षा की मैं कोई तैयारी नहीं करूंगा इसी क्लास के साथ मानव अभिवृद्धि और विकास। इधर मैं एक तरफ लिख देता रहा हूं, मानव अभिवृद्धि, मानव अभिवृद्धि मानव का विकास, ये अंतर है, ध्यान से सुनिएगा, अंतर है। इसके नियम जो होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, वो अलग होते हैं। मैं आज अंतर बताऊंगा, बहुत कम शब्दों में और बहुत कम अंतर बता दूंगा, जिससे आपको बस मूल चीजें आपको पता रहे। जैसे कहा जाता है मानव अभिवृद्धि क्या होता है, मानव अभिवृद्धि सबसे पहले जान लीजिए, जो मानव में शरीर संरचनाओं में शरीर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुड़ाई बढ़ती रहती है, मानव अभिवृद्धि कहलाती है, जिसको हम मूर्त रूप से देख सकते हैं, मूर्त रूप से जान सकते हैं, मूर्त रूप से समझ सकते हैं, यानी जो चीज़ें हमको आंखों से दिखाई दे जाए वो मानव अभिवृद्धि है, और जो चीज़ें हमको आंखों से न दिखाई दे लेकिन उसका कार्य निरंतर समय समय अनुसार वो होता रहता है, उसको क्या कहते हैं, मानव का विकास। तो वही चीजें एक एक पॉइंट में समझाते चल रहा हूं कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के, कहा जाता है मानव विकास, मानव अभिवृद्धि, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य में होने वाले तात्पर्य मनुष्य में होने वाले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व भार में परिवर्तन से है। भाई कहा जाता है कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य में होने वाले, मनुष्य में किस प्रकार से होने वाले भाई, तो उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी ऊंचाई में, उसके भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन से क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। परिवर्तन से क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है,
उसी को मानव अभिवृद्धि कहते हैं। पहला पॉइंट ये नोट करते हैं कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य में होने वाले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार व में परिवर्तन से है। वो परिवर्तन होने से क्या होता है भाई, उस मनुष्य में, उसके शरीर में, उसके शरीरगत ढांचा में परिवर्तन होता है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, मानव अभिवृद्धि कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, मानव अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक, अब हम मानव विकास की बात करते हैं। मानव विकास क्या होता है, इसमें कहते हैं कि मानव विकास में, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा भार में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि के साथ साथ इसमें कौशलात्मक विकास और कौशलात्मक विकास हो गया और क्या, इसमें कहते हैं जब कौशलात्मक विकास होता है तो आप जो ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है, कौशलात्मक विकास से ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है भाई। कह सकते हैं कि इसमें जो अभिवृद्धि, मानव अभिवृद्धि होता है वो मानव विकास में समाहित होता है। इसमें क्या होता है, मानव विकास में ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा भार में वृद्धि के साथ साथ और चीज़ें क्या होती हैं, आपके कौशल, स्किल वो भी बढ़ती है। यानी स्किल जो है आपकी दिखाई नहीं देती है लेकिन उसमें भी विकास होता रहता है। और ऊर्ध्वगामी यानी आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं। यानी आज हेडमास्टर हैं तो अगले दिन आप कहीं और उससे ऊंची पोस्ट पे, यानी आप प्राइमरी के जो टीचर हैं और अगले दिन, अगले कुछ महीनों में आप इस तरह से विकास करते चले जाते हैं तो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हो सकते हैं इंटर में। ठीक, तो ये क्या चीज़ें होंगी, आपकी ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को द्योतक होंगी, यानी वो चीज़ें दिखाई देंगी। यही मानव का विकास है। जो चीज़ें मानव अभिवृद्धि में होती हैं वो चीज़ें मानव विकास में समाहित होती हैं और उसके साथ साथ इसमें कौशलात्मक विकास हो जाएगा भाई। ऊर्ध्वगामी परिवर्तन यानी एक स्तर से दूसरे स्तर तक हम विकास के द्वारा पहुँच जाते हैं। यहाँ तक क्लियर, आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसका कहते हैं, आप बताएं क्या कह सकते हैं, कहते हैं मानव अभिवृद्धि में, मानव अभिवृद्धि में आप बताइए, मानव अभिवृद्धि में क्या चीजें हो सकती हैं। मानव अभिवृद्धि में केवल शारीरिक अंगों, केवल शारीरिक अंगों अंगों में शारीरिक अंगों के कर लीजिए शारीरिक अंगों के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है यानी मानव जो अभिवृद्धि होती है उसके शारीरिक अंग जो होते हैं वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, वो विकास करते हुए दिखाई देते हैं। यानी अभी तक मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा था, अब बहुत अच्छे से यानी हमारी क्षमता हो गई है, तो वो हमारे अंगों की वो कार्य क्षमता हो गई कि हम बहुत सुंदर ढंग से लिख लेते हैं। क्या आप 10 साल 20 साल पहले जाइए, क्या इसी इतने सुंदर ढंग से लिख पाते थे, नहीं लिख पाते थे। लेकिन आज हमारे अंग उस तरह से विकसित हो गए हैं, शारीरिक अंग, और हमारी वो क्षमता हो गई है कि हम किसी भी चीज में, लिखने में, पढ़ने में हमारे वृद्धि हो गई है। ठीक, तो वो किस रूप में, वो हमारे शारीरिक अंग यानी जिस रूप में वो बढ़ रहे हैं उसकी कार्य क्षमता भी उसी के अनुसार बढ़ रही है। हमारी
कहते हैं ना, कुछ लोगों की बुद्धि जो होती है वो घुटने में होती है, पता नहीं क्यों होती है। ठीक, तो ये चीज कहते हैं कि ये कार्य आराम से शारीरिक अंगों में आप देख सकते हैं। मानव जो अभिवृद्धि होती है इनके शारीरिक अंगों में आप देख सकते हैं। इसी को ठीक मानव विकास के अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें इसमें कहते हैं, इसमें शारीरिक अंगों की वृद्धि के साथ साथ, भाई अब तो ये चीजें इंक्लूड हो गए कि नहीं, मानव अभिवृद्धि में केवल शारीरिक, तो वो कह रहा है इसमें इसमें शारीरिक अंगों के साथ साथ इसमें क्या होता है, मानसिक क्रियाओं। आप बताओ, मानसिक क्रियाओं और क्या हो सकता है, मानसिक क्रियाओं और बताइए, भाषा के ज्ञान में वृद्धि, संवेगों का निर्माण, भाषा के ज्ञान में वृद्धि, संवेगों का निर्माण, संवेगों का निर्माण और क्या हो सकता है, चारित्रिक निर्माण, चारित्रिक चारित्रिक निर्माण और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, सामाजिक सामाजिक सामाजिकता सामाजिकता का विकास, आदि। मतलब कह सकते हैं इसमें जो मानव विकास होता है इसमें शारीरिक अंगों के साथ वृद्धि तो होती है, वो चीजें तो होती ही होती हैं, इसके साथ इसमें मानसिक क्रियाओं में विकास होता है, भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेगों का अलग अलग संवेगों का उम्र के हिसाब से विकास होता रहता है, चारित्रिक निर्माण यानी आपके चरित्र का निर्माण होता रहता है, सामाजिकता अन्य लोगों से मिलते जुलते देखते सुनते समझते आपके अंदर सामाजिकता का विकास हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, मानव विकास। हमको आपको ये नहीं पता कि मैं कितना सामाजिक हूँ, आपको मेरे बारे में नहीं पता, चाहे मैं मुझे आपको नहीं आपके बारे में नहीं पता कि आप कितने सामाजिक हैं, लेकिन हम बार बार आपस में मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे, कहीं बैठते रहेंगे तो ये पता चल जाता है कि ये बड़ा मिलनसार व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करेगा। ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं, आप तो आप जब उससे मिलते हैं, कुछ समय तक मिलते रहते हैं, तो एक ही दिन में नहीं, कुछ समय तक मिलते रहते हैं, तब जान पाते हैं कि ये क्या कर सकता है, इसकी क्या क्षमता है, वही मानव का विकास है। लेकिन अभिवृद्धि आप आज देखें और 10 साल बाद देखें, तब भी आप बता सकते थे कि आज बहुत दुबले दिख रहे हैं, पहले तो आपका शरीर बहुत अच्छी दिखाई देती थी। लेकिन विकास के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज बड़े पढ़ने में तेज हैं तो 10 साल बाद भी पढ़ने में बहुत तेज ही होंगे, चाहे आप खराब ही होंगे, ये गणना 10 साल बाद नहीं कर सकते, लेकिन मानव की अभिवृद्धि की गणना कर सकते थे। आज मुझे देख लीजिए, 10 साल बाद मुझे देखिएगा, तो मेरे शरीर की बनावट जो अभिवृद्धि होगी उसके बारे में आप बता सकते थे, पहले मैंने देखा था तो आप ऐसे थे और आज के डेट में ऐसे हैं, लेकिन विकास नहीं बता सकते कि मैं आज क्या हूँ कैसे हूँ, लेकिन 10 साल बाद नहीं बता पाएंगे कि मैं क्या था क्या। मान लीजिए मुझे शिक्षक की जॉब मिल गई, मैं यहाँ छोड़ के कहीं और चला गया, शिक्षक के अलावा कोई और अधिकारी वाला पोस्ट मिल गया, मैं वहाँ चला गया, यानी मैं अलग अलग पदों पे विकास होता चला जा रहा है और मैं अलग अलग पदों को धारण करते चला जा रहा हूँ, ये हमारा मानव विकास होगा। ठीक, और शारीरिक विकास इसके अंतर्गत दिखाई देगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या होता है, मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, मानव मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं। भाई एक एज होती है शरीर की सीमा, शरीर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाए शारीरिक अंग बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप सांप नहीं हैं कि लाइफ टाइम आपकी लंबाई बढ़ती रहेगी। सांप ऐसा प्राणी है जिसकी लंबाई जीवन भर बढ़ती रहती है जब तक वो जिंदा रहता है, लेकिन आप तो सांप है नहीं। एक ऐसी आयु की सीमा निर्धारित होती है कि उस सीमा तक आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ती है, जो आपकी हाइट होती है ना, क्या जिंदगी भर बढ़ती है क्या, एक सीमा होती है उस हाइट पर जाके आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, लेकिन शरीर में
परिवर्तन, कभी मोटे होंगे, कभी पतले होंगे, कभी एकदम दुबले हो जाएंगे आप, तो आपका शरीर जो होता है, लेकिन हाइट चाहेंगे क्या बढ़ा लेंगे? हाँ, एक सीमा ने, अब मैं चाहूँ यहाँ से मैं अपनी हाइट 4 फीट बढ़ा लूँ तो बढ़ा लूँगा क्या? ये नहीं हो सकता है। एक उम्र होती है हाइट बढ़ने की, वही कह रहा है कि मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, यानी जो चीज़ आपको दिखाई दे रही थी एक सीमा तक कि हाँ मैं 6 फीट का हूँ, 5 फीट का हूँ, 10 फीट का हूँ, अब उसी को कहते हैं जब एक एज पूरा हो जाता है ना, तो कहते हैं बड़ा परिपक्व है, यानी एकदम मैच्योर आदमी है, कुछ बातें करता है एकदम मैच्योरिटी के साथ करता है, कोई कार्य करता है तो एकदम मैच्योरिटी के साथ करता है। तो उसकी वही कह रहा है कि वो परिपक्वता है, एक एज लिमिट हो जाती है, यानी 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष लोगों की शादी होती है, तो कहा जाता है ना अब शादी करने के लायक हो गया है, यानी अब उसकी एज जो है एक निर्धारित हो गई है किसके लिए? शादी के लिए। किस रूप में कहते हैं? आप मानव अभिवृद्धि के रूप में ही तो कहते हैं उसकी एज हो गई है, शादी करने लायक हो गया है। क्यों? आप देख रहे हैं उस चीज को दिखा दे, लेकिन विकास के लिए कह सकते हैं क्या कि अगले दिन वो नौकरी पा जाएगा? कह सकते हैं क्या? कभी नहीं कह सकते हैं। बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, कुछ कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, वो मेहनत करते हैं अपने तरीके से, जो पढ़ने वाले हैं वो अपने तरीके से, शायद पता नहीं कि उस किस कारण से उनको नौकरी न मिल पाई हो। अब बात करते हैं इसमें इसके तीसरे पॉइंट के, ठीक, मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है, यानी कहते हैं ना मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कहा जाता है मानव विकास जो है यहाँ पे जिंदगी भर, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती चली जाती है, ये अनुभवों के साथ इसकी योग्यता में बढ़ोतरी होती चली जाती है, ये अपने अनुभवों के द्वारा बहुत सारे कार्य कर लेता है, यानी मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती, एक एक दिन जो बीत रहा है वो अनुभवों के साथ कुछ न कुछ उसका विकास होता चला जा रहा है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक मानव का विकास चलता रहता है। ये नहीं कह सकते हैं कि 50 साल तक मानव का विकास चलता है, 40 साल तक चलता है, 100 साल तक, 200 साल तक, ये कहा जाता है कि मानव विकास जब तक मनुष्य जिस दिन पैदा हो जाता है और जिस दिन मरता है उस दिन तक उसका विकास होता रहता है, ठीक। ये थी 3 पॉइंट। एक पॉइंट और बता दिया जा रहा है जो आपके सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, मैं चाहता तो 3 में ही निपटा देता कि मानव अभिवृद्धि और विकास, लेकिन नहीं, एक पॉइंट और छूट रहा है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा मानव अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। मानव अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्जाम में आपसे अंतर से प्रश्न आते हैं उससे आपके एक भी नंबर के छूटे ना, एक भी नंबर के छूटे ना। अब चौथा पॉइंट, इसका भी चौथा पॉइंट बताइए। कहा जाता है मानव अभिवृद्धि, मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, मानव अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है जिसे यंत्रों के द्वारा मापा जाता है, जिसको यंत्रों द्वारा मापा जाता है, यानी मानव जो अभिवृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है कि कितने क्वांटिटी, कितनी क्षमता में ये पाई जाती है। मान लीजिए मेरा वजन जितना होगा, एक मैं मशीन पे बैठ जाऊँ कि वेट करने वाली मशीन पे, तो मेरा वजन बता देगा, नहीं बता देगा? बता देगा, बिल्कुल बता देगा। वो सारी चीज़ें जो होंगी, मतलब हार्ट कितने का होता है, सांसें कितनी बार ले जाती हैं, व्यस्क का, बालक का, बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ों को मानव अभिवृद्धि के अंतर्गत बता दिया जाता है। किसके माध्यम से? यंत्रों की सहायता से। कहते हैं ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर लो है, किसके माध्यम से ये माप लेते हैं भाई?
मानव ये यंत्रों के माध्यम से ही तो मापते हैं, तो यही मानव की जो अभिवृद्धि है, क्या बढ़ा है क्या घटा, आप उसको यंत्रों के माध्यम से जान सकते हैं। उसको वो चीज़ें मात्रात्मक होती हैं, उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट में उसकी गणना कर सकते हैं कि ये चीज़ें इतने ग्राम की होती है, इस तरह की इसकी क्षमता होती है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यही कहा जाता है कि मानव विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। ठीक, इसमें कहा जाए तो मात्रात्मक मतलब कैसे मात्रा को नापेंगे, तो भाई यहाँ यंत्रों के द्वारा, तो यहाँ भी यंत्रों के द्वारा। अब कहा जाए गुणात्मक को कैसे मापेंगे भाई, गुणात्मक को तो कहते हैं शिक्षण विधियों के द्वारा। प्रश्न यही पूछ दे कि गुणात्मक की माप कैसे होती है, तो आप कहेंगे शिक्षण विधियों के द्वारा और शिक्षण युक्तियों के द्वारा। यानी हम मानव का विकास जैसे जानेंगे कि किस रूप में, क्योंकि मानव विकास के अंतर्गत मात्रात्मक जो मानव अभिवृद्धि है वो मात्रात्मक रूप में होती है, तो ये तो ठीक है मानव विकास के अंतर्गत आ गई, लेकिन इसके साथ साथ गुणात्मक भी होता है, यानी मात्रात्मक गुणात्मक दोनों के कम्बिनेशन से मानव विकास होता रहता है, जिसमें कहते हैं जो मात्रात्मक चीज़ें होती हैं उसको हम यंत्रों के माध्यम से माप लेते हैं, लेकिन जो गुणात्मक चीज़ें होती हैं उनको हम यंत्रों के माध्यम से नहीं माप पाते हैं, उनको हम किसी न किसी शिक्षण विधियों से, शिक्षण युक्तियों से। यानी कैसे, शिक्षण युक्तियाँ क्या होती है भाई, तो ये कह सकते हैं कि कोई भी हम समस्या दे देंगे, कोई भी समस्या दे देंगे और समस्या को कहेंगे प्रत्येक एक एक बालक को कि इस समस्या को अपने तरीके से तुम हल कर लो, अपनी समस्या जो है ये तुम अपने तरीके से हल कर लो। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, वो कौन से आइडियाज लगा के, कौन से तरीकों को लगा के वो इस समस्या को हल करते हैं, कौन सा तरीका यानी कौन सी युक्ति लगा के वो समस्या को हल करते हैं। देखते हैं कोई अलग अलग तरीके से बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें हम सबसे बढ़िया जो युक्ति लगा के कम समय में और ज़्यादा उपयोगी और कम खर्चीली होगी, हम उसी को सर्वोपरि रखेंगे, उसी के माध्यम से हम जान जाएंगे कि बालक बड़ा गुणात्मक है। शिक्षण विधियों, बहुत सारे मौखिक विधि हो जाएगी, लिखित विधि हो जाएगी, बहुत सारे देखते हैं निबंध विधि से भी, जैसे IAS वालों का पेपर होता है तो मौखिक वाइवा भी होता है, लिखित भी होता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है। तो किस रूप में आप अनेक विधियों को लगा के उसके गुणात्मक तत्वों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें इसके गुणात्मक रूप के अंतर्गत आई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानव अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, और इन अंतरों को विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके जो CTET में नंबर आने वाले हैं वो कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे और आपको ये नंबर दे के जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनर्गल हैं, आपको नंबर दे के जाने वाले प्रश्न हैं, और जैसे जैसे मैंने लिखवाया है उसी तरह आप बस नोट्स बना लीजिए, आपको दूसरे नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और मैंने सारी चीज़ें वो लिखवा दी हैं जो मानव अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। फिर एक बार और कहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को, जो हमारी वीडियो हो उसको छुपा के ना रखिए भाई, अन्य लोगों के पास भेज दीजिए जिससे अन्य लोग भी लाभ उठाएं। धन्यवाद।